वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है कांग्रेस तथा उसकी पूर्ववर्ती संस्थाएं। बेसिकली टॉपिक कांग्रेस ही है हमारा, लेकिन कांग्रेस को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस से पहले भी भारत में अन्य राजनीतिक संस्थाएं थीं। तो आज हम इसी के बारे में जरा बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। अब देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आप क्लियर कर लो। वो है ये कि कांग्रेस और इन संस्थाओं में एक बेसिक अंतर ये है कि कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय संस्था के तौर पर कार्य कर रही है और ये जो संस्थाएं हैं ये बेसिकली एक क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। इनका स्वरूप कहीं ना कहीं क्षेत्रीय है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। देखो, 1836 में जो पहली महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, उसका नाम है बंग सभा प्रकाशिका सभा, मतलब बंग भाषा प्रकाशिका सभा नाम की संस्था है, ठीक है, और इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। देखिए लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने वर्ष 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नाम की राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ध्यान रखना, राजनीति को लेकर के सबसे पहली आवाज़ जो उठाई है ये उठाई है राजा राम मोहन राय ने, तो महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, तो 1838 में, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, याद रखना ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है, और संस्था का नाम है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना साथियों, 1838 में बनी है कलकत्ता में और ये पहली राजनीतिक सभा या संगठन था, ठीक है, जिसने संगठित राजनीतिक सुधारों का प्रयास किया। संस्थापक कौन है इसके, ध्यान रखना, द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है ये, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली संस्था है जिसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1870 को, इसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में एमजी रानाडे तथा वासुदेव गणेश वासुदेव जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, इसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। और अगर हम देखें तो एमजी रानाडे का यहाँ पर एक कोट भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, भारत धर्म की भूमि है, चाहे अच्छा हो या बुरा हम धर्म के बिना नहीं कर सकते, धार्मिक विचार हमारे खून में शामिल है, अगर हम धर्म को भगाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा पीछा करेगा। ये कथन एमजी रानाडे का है, महादेव गोविंद रानाडे का है, जो कि एक न्यायाधीश थे। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि एमजी रानाडे खुद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, मतलब सॉरी, एमजी रानाडे नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति रहे हैं, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा इसको याद रखना, ठीक है, चलिए आगे देखो। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या अखंड भारत की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। यानी कांग्रेस से पहले अगर कोई सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था थी तो वो थी इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। आगे बढ़ते हैं, 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, किंतु तकनीकी आधारों पर इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई, जहां पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु तथा भारत के वर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, 1851 में भारतीय एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखिए साथियों, 1877 में सैयद अमीर अली ने 1877 में कोलकाता में सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है, ठीक है।
तो ये हुआ साथियों आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और इसमें हमने बात करी कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं की। एक टॉपिक, एक वीडियो और आएगा इस पर, फिर ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।